हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। दोस्तों, याद है आज से 7-8 महीने पहले, करीब अक्टूबर नवंबर की बात है, मैंने अपने हिस्ट्री चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में एक पोस्ट डाली थी। इस पोस्ट को लेकर मुझे अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के लिए बहुत कुछ कहना है और मेरे थंबनेल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा वीडियो सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूवर्स के लिए है। मेरी वॉइस हमेशा आपके सामने आती है, मैं खुद वॉइस ओवर करती हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने आई हूं ताकि मैं डायरेक्ट आपसे बात कर सकूं, आपको मैं जो कहना चाहती हूं वो मैं कह सकूं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और सीधे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स की बातों पर, जिन्होंने क्या कहा, क्या किया, ये सारी बात आप आगे जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं लेकिन आप चैनल पर कंटिन्यूसली काम नहीं करते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी सक्सेस रुक जाती है, आपका व्यू रेट ड्यूरेशन कम हो जाता है, आपके सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, और ऐसा होना किसी भी यूट्यूबर के लिए अच्छा नहीं है। मैं भी एक यूट्यूबर हूं और अपना एक हिस्ट्री चैनल चलाती हूं। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी मैं अपने राखी खोसला हिस्ट्री चैनल पर 7-8 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मेरा काम रुक गया और मेरे सब्सक्राइबर्स ने पता है क्या किया। अब आपके मन में तो यही बात आई होगी कि छोड़कर चले गए होंगे, अनसब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को, पर नहीं, मेरे सब्सक्राइबर ने कुछ और ही किया। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी इसकी जानकारी मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को पहले ही दे दी थी। इसके लिए मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर से क्षमा भी मांगी थी, आप मेरे कम्युनिटी बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये कोई झूठी बात नहीं है, ये थोड़ा सच है, लेकिन पूरा सच क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने हिस्ट्री चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जब आप सभी को, यानी कि अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूवर्स को जानकारी दे रही थी कि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा विलंब होगा, मैंने थोड़ा तो लग दिया, लेकिन ये विलंब कितना लंबा होगा इसका सही मायने में अंदाजा मुझे भी नहीं था। हेल्थ इशू के कारण, हेल्थ इशू में मेन मेरी आइस की प्रॉब्लम थी, और आइस की प्रॉब्लम होने की वजह से आप जानते हैं कि जब आइस की सर्जरी होती है तो डॉक्टर के द्वारा आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं उसको रोक दिया जाता है कि देखना मना है, काफी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इतना लंबा गैप पड़ गया। जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी तो सही मायने में मुझे भी नहीं पता था कि मैं कब वीडियो डालूंगी, मैं डाल भी पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, क्योंकि जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मुझे लग रहा था कि आईज का मामला होता है उसमें डर ही लगता है कि पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं सर्जरी वगैरह, लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल रही, लेकिन जब तक सर्जरी नहीं हुई थी मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अपना चैनल कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं खुद भी श्योर नहीं थी और मैंने थोड़ा विलंब भी कहा, लेकिन कितना विलंब होगा एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता था। लेकिन अब आपकी दुआ से, भगवान की दुआ से अब मैं ठीक हूं, तो मैंने वीडियो अपलोड की है। और जब वीडियो अपलोड किया तो मैंने देखा तो मैं शॉक्ड रह गई, ये क्या किया मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स ने। तो पूरा सच क्या है यही बताने के लिए मैं आपसे मिल रही हूँ और बताती हूँ आगे की बात। दोस्तों, मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना प्यार और सहयोग बनाकर रखा। दोस्तों, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, बल्कि मुझे पल पल यही लग रहा था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे हैं। मैंने अपनी आई सर्जरी के बाद अपना चैनल ओपन किया तो देखा मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यही सोच रही थी कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी पूरी तरह से ठीक होने के बाद, तो पहली वीडियो मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूवर्स के नाम होगा। मैं जानती हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो लोगों को मोटिवेट करना जानते हैं, वो लोगों को हौसला देना जानते हैं कि कोई बात नहीं, कामयाबी जल्दी जो मिलती है वो कब ख़त्म हो जाएगी, कब नहीं ख़त्म होगी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जल्दी की कामयाबी पर आप श्योरिटी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, कामयाबी अगर हासिल करनी है तो उसके लिए थोड़ा प्रयास किया जाता है और थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद मेरे चैनल में जितनी भी वीडियोस डली है हिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें जो है मेरे व्यूवर्स को मेरे द्वारा दी गई जानकारी सटीक लगी है, उनको लगा है कि हाँ, ये जो जानकारी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं सही होगी या कहीं ना कहीं नॉलेज वाली होगी जो शायद उनको नहीं पता है, और मेरे द्वारा बताए जाने पर उनको पता चल रहा है। वैसे आजकल के सारे यूथ हो गए, चाहे सीनियर सिटीजन हो गए, चाहे बच्चे हो गए, हर कोई अपने देश के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बताना भी बेहद जरूरी हो। तो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल में जो भी बातें बताऊं वो मनगढ़ंत या फेक ना हो, ऐसा ना हो कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए या मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए या लाइक्स बढ़ाने के लिए अपने ऑडियंस को या अपने व्यूवर्स को या अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ भी गलत या मनगढ़ंत बातें बताती रहूं।
नहीं, ऐसा मेरा ना मैंने कभी काम किया है, ना मैं करती हूँ और ना ही कभी करूँगी। तो इसीलिए मेरी जो वीडियोस है वो कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 10 दिन में जाती है। दोस्तों दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि मुझे एक और ऐसा काम मिल गया है जो मेरे बेहद ही मनपसंद का है। तो वो काम क्या है वो जल्द ही मैं आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती थी और मेरे जो व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स की जो थिंकिंग है ना वो मैं ये बताना चाहती थी कि बेहद ही पॉजिटिव थिंकिंग है। वो लोगों को मोटिवेट करना जानते हैं, लोगों को सहयोग करना जानते हैं, वो लोगों को प्रोत्साहित करना जानते हैं, वो जानते हैं कि इंसान गलतियों से ही सीख कर आगे बढ़ता है और वो जानते हैं कि कामयाबी में वक्त लगता है, प्रयास करना पड़ता है। जल्द मिली कामयाबी आपको पूरी तरह से श्योरिटी नहीं दे सकती। तो ये वीडियो स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के लिए थी जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग को सलाम है। और अपना प्यार और अपना सहयोग ऐसे ही बनाते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आगे कंटिन्यू होगी, वह जल्द ही वीडियो अब दूसरी भी अपलोड होगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबाना पड़ेगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है ये वाली, मैं आप सभी से फेस टू फेस इसीलिए बात की ताकि मैं अपनी मन की बात कर सकूं और जो मैंने आज कर दी, अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक्स कहा, बहुत ज़्यादा थैंक्स कहा, ये मेरे दिल से निकली आवाज़ है सही में। क्योंकि मैं बहुत शॉक्ड थी, मैं तो ये सोच रही थी मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर्स इतने मेहनत से जो मैं लेकर आई थी वो मेरे सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक तरीके से अपने सब्सक्राइबर्स लेकर आई थी, कोई पेड़ नहीं लेकर आई थी। और मैं पल पल यही सोचती थी कि मेरे सब्सक्राइबर्स ना चले जाए, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री पर जल्द ही अपलोड होगी। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले हर सीरीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।